नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीफ या लीव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लीव्स जो होता है ये प्लूरल होता है, लीव्स सिंगुलर होता है। लीफ प्लांट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, प्लांट का ही नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे इकोसिस्टम का, पूरे इकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन अर्थ पे, टेरेस्ट्रियल पर देखा जाए, ज़मीन पे देखा जाए, तो लीफ सबसे इम्पॉर्टेंट साधन हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि यही एकमात्र है जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, जिससे कि पूरे लिविंग बींग को भोजन प्राप्त हो सकता है, यानी फूड मिल सकता है। इस लीफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लीफ के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसको एपिपोडियम, मीजोपोडियम और हाइपोपोडियम कहते हैं। देखिए, एपिपोडियम में ये लीफ ब्लेड वाला पूरा पोर्शन आ जाता है, ये वाला पूरा बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है, जिसमें मिड वेंस और लैटरल वेंस पाई जाती है। मीजोपोडियम में पेटियोल आ जाता है और हाइपोपोडियम में लीफ बेस आ जाता है। देखिए, द लीफ इज द लैटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, मतलब जो पत्तियां होती हैं वो चिपटी संरचना होती हैं जो कि स्टेम पर बनती हैं, स्टेम पे बॉर्न होती हैं, ठीक है। इट डेवलप एट द नोड एंड बेस, मतलब पत्तियां जो हैं वो नोड से ही जन्म लेती हैं, जहां पर नोड होता है स्टेम का, जैसे मान लीजिए ये नोड है, ठीक है, यहीं से ये पत्तियां जन्म लेती हैं। एंड बियर ए बर्ड इन इट्स एक्सिल्स, और यहाँ पर एक्सिल्स पे छोटे से बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। द एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, यही एक्सिलरी बर्ड जो होता है ये बाद में चल के क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है, नई शाखाएं बनाता है, ये एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, ठीक। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एन एक्वापेटल ऑर्डर, मतलब पत्तियां जो होती हैं वो एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप करती हैं और एक्वापेटल अरेंजमेंट को शो करती हैं, यानी एक्वापेटल अरेंजमेंट से ये व्यवस्थित होती है। एक्वापेटल का मतलब ये होता है कि जहां पर नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां हों और ऊपर की तरफ जो नई पत्तियां बनती हैं वो नई पत्तियां हों, ठीक है, मतलब पुरानी पत्तियां नीचे की तरफ हों और धीरे धीरे ऊपर जब चलते जाएँ तो नई पत्तियां बनती चली जाती हैं, उसको एक्वापेटल मैनेजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। अगर टिपिकली देखा जाए तो पत्तियों में तीन पार्ट होते हैं। पहला, ये जो पूरा आप देख रहे हैं एपिपोडियम वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लैमिना, या लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। ये जो मीजोपोडियम वाला भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेटियोल, पेटियोल, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लीफ बेस, ये जहां पर हाइपोपोडियम वाला पोर्शन, लीफ बेस, ठीक है। तो तीन पार्ट होते हैं पत्तियों के, पहला होता है लेमिना, दूसरा पेटियोल और तीसरा लीफ बेस। लेमिना या लीफ ब्लेड एपिपोडियम कहलाता है, पेटियोल मेजोपोडियम कहलाता है और लीफ बेस हाइपोपोडियम कहलाता है। देखिए, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है यानी स्टेम है और यहाँ से लीफ बेस है, ये जहाँ से लीफ निकली हुई है, ठीक है, ये मान लीजिए लीफ है, ठीक। तो यहाँ पे दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही निकले होते हैं इस तरह से, ठीक, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल का मेन फंक्शन होता है कि जब ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन, जब पत्तियाँ छोटी होती हैं, बर्ड कंडीशन होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना, तो स्टिप्यूल बर्ड लीफ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मोनोकॉट के कंडीशन में क्या होता है कि लीफ बेस जो होता है एक्सपेंड होता है और लीफ सीट बनाता है, ठीक है, जो कि स्टेम को पूरा कवर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से मान लीजिए मोनोकॉट की पत्ती निकली है, तो लीफ बेस जो होता है यहाँ से इस तरह से पूरा कवर किया जाता है, ये इस तरह से, ठीक है, ये पूरा कवरिंग पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं लीफ सीट।
ठीक है, लीफ शीथ बोलते हैं। ठीक है, डाइकॉट में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मोनोकॉट में लीफ शीथ पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ मोनो इसमें लेगुमिनेसी फैमिली में जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ बेस होता है वो स्वेल कर जाता है, पल्बिनस हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसमें कि वाटर स्टोर होता है जो कि लीफ के मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लीफ है स्टेम और ये लीफ बेस है, तो यहाँ पे ये थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है लीफ की, ठीक है, लीफ बेस पे। ठीक, तो इसको बोलते हैं पल्बिनस लीफ बेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लीफ है। ठीक, PULVIUS है, इसको काटती हूँ मैं। ठीक है, लीफ बेस तो स्वेल होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला पोर्शन जो होता है ये पेटियोल होता है जो कि मेन स्टेम से लीफ ब्लेड को जोड़ने का काम करता है, यानी बांधने का काम करता है। ये लीफ को लाइट के डायरेक्शन में बनाए रखता है। ठीक है, और जब हवा चलती है तो लीफ को मतलब हिलाता है ताकि कि ऑक्सीजन की सप्लाई यानी हवा का वेंटिलेशन प्लांट के पास बना रहे। ठीक है, द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड ऑफ ब्लेड टू द लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। ठीक है, देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। इसके बाद पत्ती का मुख्य भाग आता है जिसको लेमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसमें मिड वेन होती है और इसके चारों तरफ इस तरह से इससे निकला हुआ वेन्स और वेनलेट्स होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो इसमें पतली पतली निकली रहती है इसको वेनलेट्स बोलते हैं। देखिए ये मिड वेन हो गई बीच वाली, इससे जो निकली हुई है ये आपकी वेन्स हो गई, लेटरल वेन्स भी कह सकते हैं, और इस वेन से जो निकली है इसको हम बोलते हैं वेनलेट्स, VENLETS। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है ना, वेनलेट्स। ठीक है, तो ये वेनलेट्स हो गई। तो ये मिड वेन जो होती है ये पत्ती को एक्सपेंड करके काम एक्सपेंड करने का काम करती है, और मतलब एक तरह से इसको होल्ड सीधा होल्ड करने का काम करती है, जो कि हमारे शरीर में स्केलेटन करता है वही काम ये पत्तियों को एक्सपेंड करने का काम करती है मिड वेन। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो होती है वाटर और फूड मटेरियल को कैरी करने का भी काम करती है। ठीक है, अब देखिए जो लीफ ब्लेड होता है उसका किनारा प्लेन भी हो सकता है और इस तरह से इंसीजन युक्त भी हो सकता है, इस तरह से किनारा, जैसे कि आपने गुलाब का गुलाब की पत्तियों में देखा होगा इस तरह से। ये मिड वेन हो गया, लेटरल वेन हो गया, इससे निकलने वाले वेनलेट्स हो गए। ठीक, तो जो मार्जिन है ये इंसीजन युक्त भी हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है या डिफरेंट टाइप का हो सकता है या अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं। ये लीव जो होता है फॉलेज लीव, जैसा कि आपने देखा कॉमन लीव्स होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, जैसा आप अभी पढ़ रहे थे वो कॉमन लीव होता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉटिलेडनरी लीव्स जो कि एम्ब्रियोनिक लीव्स होता है। ठीक है, ये एक या दो की संख्या में हो सकता है। एक्चुअली कॉटिलेडन्स आर द फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट, यही कॉटिलेडन जो है ये फर्स्ट लीव इसको माना जा सकता है प्लांट का। ठीक है, कॉटिलेडन को। इसके बाद आता है स्केली लीव्स आर कैटाफिल्स, ये नॉन ग्रीन होता है, थिन सेसाइल होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव लीव्स होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोफिल्स, फर्स्ट फॉर्म वन आर टू लीव्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर लीव्स। जो पहली जो पत्तियां बनती हैं उसको प्रोफिल्स बोलते हैं, जब आप देखते हैं जब बीज अंकुरित होता है तो दो पत्तियां निकलती हैं, इसको प्रोफिल्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्पोरोफिल्स जो कि मॉडिफाइड स्पोर बियरिंग लीफ होता है। ठीक है, जैसे स्टेमन और कार्पल। ठीक है, तो जो आप स्टेमन और कार्पल जो देखते हैं वो भी लीफ का मॉडिफिकेशन ही होता है जो कि स्पोर को बियर करता है। ठीक, इसके बाद आता है ब्रैक्ट, लीव्स बियर फ्लावर इन देयर एक्सिल्स। ठीक है, जैसे कि बोगेनवेलिया में आपने देखा था।